हेलो पिला माने, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केम विजुअल। पिला माने ओयूएटी 2022 रो डिटेल सिलेबस रो एनालिसिस करथले, आ हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रो डिटेल्स एनालिसिस ऑलरेडी कर देछु। आज रो वीडियो रे बेसिकली हमें डिस्कस करबा बायोलॉजी और मैथ। पिला माने जो मानकर बायोलॉजी किमा मैथ ऑप्शनल नै पारिबो, तो माने बेसिकली आइदर बायोलॉजी और मैथ नै पारिबो। मु फर्स्ट तुम मानको कहि रखिबि को सब्जेक्ट नले तुम मानको बेटर हबो। ता सहित डिटेल्स रे बायोलॉजी रो सिलेबस और मैथ रो सिलेबस ई वीडियो रे तुम मानको एक्सप्लेन करबि। पिला माने सेति पई तुम माने जदि ओयूएटी 2022 एग्जाम पे प्रिपेयर हो, पाने चैनल को सब्सक्राइब करके रखि था। कौन कि ओयूएटी रिलेटेड जहाँ भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आसो सबूर अपडेट आम चैनल माध्यम रे तुम सब प्रथम पाइव। से तुम मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल रे ऑल को सिलेक्ट कर। चलो अबे ये वीडियो को हमें डिस्कस करवा, ये हमें डिस्कस करवा कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स रो सिलेबस कौन रहइबो ओयूएटी 2022 पे, कौ चैप्टर रो इंपोर्टेंस केते आउ कौ चैप्टर सबूत बेसी 100% चांस अछि 100% आसिबो। तो डिटेल्स रे आमे डिस्कस करबा, एनालिसिस करबा ओयूएटी 2022 पई बायोलॉजी आ मैथ रो सिलेबस कोन रहिछि। चलो अबे वीडियो टी को स्टार्ट करबा। तो पिला माने सबुटारो प्रथम आमे डिस्कस करबा कि बायोलॉजी रो सिलेबस कोन रहिछि ओयूएटी रो, तापर मैथमेटिक्स रो सिलेबस। तो पिला माने तुमनको कहि रखबि कि तुमनकर 10th आ 11 9 10th ता सहित 11 12th रे जहां भी अछि बायोलॉजी रो सब गुडा इंपोर्टेंट। आ तुमनको जेमति कि कहि रखिलि बायोलॉजी आ मैथ जहां मानकर कॉमन थिला, तो माने सीएचएससी एग्जाम रे देथिबो किबा सीबीएसई एग्जाम रे देथिबो, से मानको पई कहि रखबि कि जो मानकर बायोलॉजी सब्जेक्ट थिला से माने ओयूएटी रे बायोलॉजी चूज करबो, जहां द्वारा कोन हो तो माने कम टाइम रे बेसी क्वेश्चन कर पारिबो बायोलॉजी रे। कोन पई कि बायोलॉजी रो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहे, किंतु मैथमेटिक्स रे तुमनको टाइम दरकार। आ तुमने जानछो ओयूएटी रे 2 आवर रे माने 120 मिनट्स रे 200 क्वेश्चन करिवार अछि, आ मैथ पई तुमनको टिके टाइम दरकार सब क्वेश्चन पई। सेति पई तुमने सब्जेक्ट चूज कला बेले समस्त ट्राई करिवो, जो मानकर बायोलॉजी अछि बायोलॉजी से माने चूज करिवो। आ ता सहित तुमने कोन करिवो जो मानकर मैथ अछि समानको पई भी कहि रखिबि कोन कले तुमने मैथ रे भलो स्कोर करि पारिवो मैथ नै कि मध्य, किंतु बायोलॉजी जहार अछि को कहूँ बायोलॉजी ही चूज करो। पे मैंने मैथ रे टाइम लगे, आउ जमी जानो ओयूएटी रे टाइम कम, आउ तुमको जो कम टाइम रे बेसी क्वेश्चन रो आंसर करार अच्छे तेल बायोलॉजी निहाती चूज करो। पे आम देखा बायोलॉजी रो सिलेबस सब फर्स्ट देखिए फोटोसिंथेसिस इंपोर्टेंट चैप्टर, रेस्पिरेशन नो डाउट इंपोर्टेंट चैप्टर, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। पे देखो मुझे कही रखी ओयूएटी सब फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन गुड़ाक पचारे, से डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म गोटे बहुत बेसिक चैप्टर और बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। जेनेटिक इन बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस पिला माने ओयूटी रे सब वर्ष इंपोर्टेंट आसे, को चैप्टर मेनली रिप्रोडक्शन आउ जेनेटिक्स रो सब वर्ष क्वेश्चन आसे, किछ न होले भी 8 रु 10 क्वेश्चन जेनेटिक्स आउ रिप्रोडक्शन रु थिबो। पिला माने सेति पे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर दुटा, से चैप्टर दुटा को 100% कवर करके जीवो। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक फंडामेंटल जिनस, एटा भी इंपोर्टेंट चैप्टर। जीन नेचर मु कहली जेंति जेनेटिक्स जीन रो 100% पढ़ी की जो पिलाने। प्लांट वाटर रिलेशन इन मिनरल न्यूट्रिशन बेसी इंपोर्टेंट चैप्टर नुहे, बेसिक तुम्हें पढ़ी पार ऑलरेडी 9th 10th पढ़ी किसीटा जिनस। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एज वेल एज एप्लीकेशन, पे बायोटेक्नोलॉजीटा मेनली तुम जेनेटिक्स एप्लीकेशन रे ही पड़े आसो, सीटी पढ़ेदेव तुमने ये चैप्टरटा। प्लांट ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट बेस इंपोर्टेंट नहीं, लेस इंपोर्टेंट। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन लेस इंपोर्टेंट, बेस इंपोर्टेंस नहीं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पे यहीटा आसे कौन पाई कि ये तुमको बहुत गुडे डिजिज रो क्वेश्चन पचारे एग्जाम रे, कि ये डिजिजटा को बैक्टेरिया द्वारा हुए किंवा ये बैक्टेरिया द्वारा को डिजिजटा हुए, तो पे चैप्टरटा मैं इंपोर्टेंट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मुझे ऑलरेडी कहीदी बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू एनवायरनमेंट पढ़ी पार पिला माने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, एटा तुमको कहली सेलटा गोटे बेसिक फंडामेंटल चैप्टर, से इंपोर्टेंस बहुत। ता सहित ओरिजिन एज वेल एज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। पिला माने एनिमल टिश्यूज, जदि तुमने सेल को पढ़ु से बेसिक रे तुमको टिश्यूज भी कन्सेप्ट जो, आ तुमको प्लांट टिश्यू जिते अच्छे एनिमल टिश्यू जिते अच्छे सबूर क्लासिफिकेशन को डिटेल्स पढ़ी जीव। आउ क्रोमोजोनल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जमीक यहाँ भी जेनेटिक्स सहित रिलेटेड, तुमने जेनेटिक्स सहित रिलेट करके इनहेरिटेंस को मध्य पढ़ी पार। न्यूट्रिशन मध्य पढ़ी पार, जेनेटिक इंजीनियरिंग एटा सोचे एडवांस टेक्नोलॉजी पिला माने बायोलॉजी रो, तुम से ये चैप्टर को इंपोर्टेंस देखिए पढ़ो। पिला माने रेस्पिरेशन इंपोर्टेंट अगेन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यू भी क्वेश्चन आसो, मुझे कहली सी माइक्रोब्स कथा से भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को पढ़ी जीव। एनिमल हस्बेंड्री पिला माने ये चैप्टरटा इंपोर्टेंट कौन पाई कि ओयूएटी रे तुम्हें गलापर मैं सेम जिन यू जिनस को पढ़ो एनिमल हस्बेंड्री, से चैप्टरटा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर। सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन देखिपार, तो मैंने फंक्शन ऑफ हार्ट ये सब जिनको पढ़ी
पार जहाँ भी अच्छे से सब जिन सर्कुलेशन में पढ़ी पार एक्सक्रेशन ऑस्मो रेगुलेशन लेस इंपोर्टेंट बेस इंपोर्टेंस नहीं कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन ये सब कंट्रोल आउ रेगुलेशन को पिला माने पढ़ी जीव एग्जाम पूर्व इंपोर्टेंट हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू एनवायरनमेंट से चैप्टरटा एगे रिपीट होती ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन दुटा जाक पढ़ी पाने बायोलॉजी रे तुम मैंने कम टाइम में बेसी क्वेश्चन करें बायोलॉजी को ठीक से पढ़ी चो पाने से कही रखी कि बायोलॉजी जो मैंने नौ से डिटेल्स बायोलॉजी को पढ़ी जाओ आ बायोलॉजी और केमिस्ट्री जब भल से पढ़ की जो पाने तुम सिलेक्शन 100% हो तुमको पूरा 100% डिटेल्स में स्मार्ट स्ट्राटेजी गोटे वीडियो बनईदेवी या पर तुमने से स्मार्ट स्ट्राटेजी को यूज करके तुम एग्जाम केमती भल स्कोर करा कह नेक्स्ट आम मुव करवा मैथ्र सिलेबस ये भी पाने बेसिक तुमने देखिपुर सिलेबस फ्रॉम 10th एंड 12th प्लस 2 कलिकुलम तो पाने मेनली ये दुटा इंपोर्टेंट कौन कहली तुमने 10th टॉपिक गुड़ा 8, 9, 10th बेसिक जिनस रहा सहित 11, 12th चैप्टर गुड़ा रो फर्स्ट चैप्टर तुमने एलसीएम एससीएम यू सब गुड़ा देखीच परसेंटेज देखीच प्रॉफिट एज वेल एज लॉस इंटरेस्ट ये सब गुड़ा पाने पढ़ी स्पीड टाइम एज वेल एज डिस्टेंस यहाँ तुम फिजिक्स भी पढ़ी पार मैथ्रे भी अच्छी बहुत टाइम एंड वन देख यू स्टार्ट है पाने मेनली तुम नंबर सिस्टम यहाँ तुमने 9, 10th गोटे बेसिक टॉपिक गोटे नंबर सिस्टम से पढ़ी पार्टी बोथ मिक्सचर एंड एलिगेशन यू गुड़ा पढ़ी पार यूनिटरी मेथड कमर्सील मेथड बोथ परमोटेशन एंड कम्बेसन अभी मेथ्रे जब भी क्वेश्चन पचारे परमोटेशन कम्बेसन क्वेश्चन पचारे सिक्वेन्स एंड सीरीज रू भी क्वेश्चन पचारे पाने दी तीन हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ तुमने देखी पार्थ 10th टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री 10th टॉपिक से बेसिस पचारि पार पाने क्वेश्चन डाटा टेबल्स एज वेल एज डाटा चार्ट्स यहाँ पाने बेसिकली तुमको रिलेट कर स्टैटिस्टिक्स आ प्रोबेबिलिटी को नहीं तो तुमने ये चैप्टर को देखिए जो बहुत बार डायग्राम जमीक कहे स्टैटिस्टिक्स पढ़ की पाई चार्ट्स ये इनवल्व हो जाए ग्राफ्स एक्स वाई ये पढ़ी तुमने पे डाटा एनालिसिस डाटा कंपैरिजन तुमको पाने वेन डायग्राम मेनली सेट उपर कहे तुमको लिनियर इक्वेशन एंड क्वांटिटेटिव इक्वेशन अगेन बेसिक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ओयूटी लॉगरिथम एज वेल एज प्रोग्रेशन यहाँ गोटे बेसिक टॉपिक 9, 10th तुमने जानते हो जो मैंने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड रुसने लॉगरिथम ऑलरेडी पढ़ी थो नेक्स्ट पाने बाइनोमियल थ्योरम इंपोर्टेंट देखिए बोथ सोर्स एंड इंडेसेस इनइक्वालिटी सेट थ्योरी बेसिक चैप्टर अगेन बेसिक चैप्टर गुड़ाक सब मेनली फोकस करेंगे बोथ मिक्सचर एंड एलिगेशन ऑलरेडी कही देती एवरेज बोथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन नंबर सिस्टम एलिमेंटरी मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पाने बहुत इंपोर्टेंट कहली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री दुटा चैप्टर को जमी बहुत भलि पढ़ी जो पाने कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आम ट्रिगोनोमेट्री जमी भी क्वेश्चन आसे पाने तुमने कहीपरि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ तुमको बेसिक तुमने कहीपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री 100% क्वेश्चन आसो पाने मेनली जिते बड़ा कहूँ पाने तुमको कि तुमने ट्रिगोनोमेट्री को केमी पढ़व तो ट्रिग्नोमेट्री तुमको कौन कह पाने ट्रिग्नोमेट्री जिते बड़ा भी पढ़ु तुमने बेसिक तो पाने तुमने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फर्मुला सब देखी थो फास्ट कौन कर ट्रिग्नोमेट्री 11th जितकि भी फर्मुला जानको सेपरेट कपी में लिख आमको मैथ स्पेशली कही रखुच्छी पाने टेलीग्राम चैनल डिटेल्स तुमको PDF करके पठई देती से ग्रुप ऑलरेडी तुमको MCQ क्वेश्चन सल्व करने बेसिक सब फर्मुला को डिटेल्स लिखाई है सहित केमिस्ट्री फिजिक्स नोट्स अच्छे जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन कर टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवि से जॉइन करके तुमने सब नोट्स सहित सर्ट नोट्स आउ मैथ्र सर्ट नोट्स गुड़ा बहुत हेल्प कर जो मैंने भी OUET एग्जाम मैथ नापाई चाहूँ आ तुमने जो मैथ्र फर्मुला गुड़ाक बहुत भल्ले मन रखी तेल कम टाइम बेसी क्वेश्चन कर पाने मैथ्र आमको स्मार्ट स्ट्राटेजी मुझे जो वीडियो बनेबी से बतेबी कि तुमने क्वेश्चन केमती अप्रोच कर एग्जाम वीडियो को स्टार्टिंग रु नहीं एंड जाए थी तुमको बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ पिलामाने जो चैनल में नुआ आसो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँ द्वारा तुमको OUET रिलेटेड सबकि नोटिफिकेशन पहुँचु थोड़ा।